Hey, what's up guys? Welcome back to my new vlog. तो यार बहुत दिनों के बाद में यार ये वाला व्लॉग आ रहा है। तो यार गाइस आज इस वाले व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गाइस कोराडी मंदिर, बिकॉज यार गाइस हम लोग नागपुर में रहते हैं और यार नागपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है यार कोराडी का मंदिर। तो हम लोग वहाँ पे कोराडी के मंदिर जा रहे हैं, मैं हूँ साथ में और साथ में यार पवन है, ठीक है। तो पवन ड्राइविंग करने वाला है और मैं पीछे बैठने वाला हूँ। तो यार हम लोग जाएंगे और आप लोगों को रास्ते का व्यू मैं दिखाते रहूँगा। तो यार इन्जॉय करो और इस वाले व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो बने रहना वीडियो पे और अभी फटाफट से चल लेते हैं। क्या पवन बोलते चलते? तो चलते हैं गाइस और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तब तक रास्ते का व्यू। तो यार बने रहो वीडियो पे, ठीक है, एंजॉय करो गाइस, चलो। तो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। गाइस अभी पहुंच गया हम लोग कोराडी मंदिर के अंदर में, मतलब अंदर नहीं पहुंचे, अभी बाहर ही है, मतलब गेट के अंदर पहुंच गए। तो अभी जाते हैं हम लोग दर्शन के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो व्यू, देखो यार कितना रावस का व्यू आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त लुक आ रहा है गाइस यहाँ पे। बहुत ही मतलब झूले वूले तो बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं और यार सजावट तो बहुत ही प्यारी है यहाँ की। अमन भी वीडियो बना रहा है, अमन नहीं सॉरी पवन, पवन वीडियो बना रहा है और मैं भी हूँ साथ में। तो यार मजा बोला, अभी फटाफट से चल लेते गाइस दर्शन करने को। जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। तो अभी फटाफट से चल लेते हैं। एंटर हो गया हम लोग मंदिर के अंदर। तो यार देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बंदोबस्त बांधा हुआ है पब्लिक को आने जाने में, जाने के लिए, ठीक है। तो यार आप लोग आओगे तो यार बहुत आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। यार यहाँ पे VIP लाइन और लोकल लाइन और प्लस जनरल लाइन भी है यहाँ पे। यार आओगे तो आ जाओ यार, दर्शन करना है तो भाई आप लोगों को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। और यार दर्शन करने में कष्ट नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी चीज़ आराम से नहीं मिलती, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो आ जाओ आप लोग भी नागपुर में फटाफट से कोराडी मंदिर, जगदम्बा माता का मंदिर है, ठीक है गाइस। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। फटाफट से चल लेते हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहो वीडियो पे यार, बहुत ही मजा आने वाला है। लाइक कर दो गाइस वीडियो को, ठीक है। खतरनाक वाली भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। मंदिर का लुक कैसे कुछ ऐसा है। अभी लाइन में गई सिनेमैटिक में डालना पड़ता है इसे। भैया बहुत दिक्कतों के बाद में दर्शन हुए हैं। फाइनली गाइस अभी दर्शन हो गए हमारे माता रानी के। इधर सामने माता रानी है, इधर में वहाँ पे कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं था। इधर हम लोग ने अंदर गए और दर्शन कर लिए फटाफट से। और अमन भी था साथ में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद यहाँ से फोटो आ जाए। ये जो गाइस आप लोग मेरे पीछे में जो दीवारें देख रहे हैं मंदिर की, और इनको यार राजस्थान से लाए हुए पत्थरों से बनाया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को राउंड राउंड होके दिखा रहा हूँ व्यू। तो आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, पर जो भी है गाइस वीडियो को लाइक कर दो। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया गाइस इस मंदिर को। करीबी 300 साल पुराना मंदिर है ऐसा जानकार बताते हैं यहाँ के, ठीक है। Yeah.
मंदिर में आने के बाद यार गाइस सही में बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो लुक है ना गाइस यहाँ का, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती बार बार, ठीक है। अभी हम लोग तो आए थे घर से कुछ 4 बजे हम लोग घर से निकले थे गाइस यहाँ पे आने के लिए दर्शन के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यार, यहाँ पे आके दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, माता जी के दर्शन हो गए, और ज़्यादा हम लोगों को लाइन में भी लगना नहीं पड़ा, फटाफट से लाइन भी मिल गई हम लोगों को। अगर हम लोग सुबह सुबह आए थे ना एकदम, तो इसलिए बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोग को। अगर आप लोग यार दिन में आते हैं ना तो यार गाइस आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखेंगी, और आप लोगों को शाम में तो बहुत ही भयंकर क्राउड होता है गाइस यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग देखो यार, तो अभी हमारा हो गया दर्शन करके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर, तो अभी फटाफट से चलते हैं गाइस और दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। जय माता दी, तो फाइनली गाइस हम लोगों को प्रसाद भी मिल गई है। दर्शन करके हो गए अभी हमारे मंदिर के बाहर हम लोग आ चुके हैं, तो यार हम लोग जैसे मंदिर के बाहर आए तो यार सामने की ओर दिखा यार मुझे ये अखंड मनोकामना भवन, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दीप दिख रहे हैं, दीप ज्योति, तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना करते होंगे ज्योत जला जला के, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। अभी अंदर भी जाने वाले हम लोग, तो अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर का व्यू, ठीक है। तो पवन भी अंदर जाने को बोल रहा है फटाफट से, क्या गर्म लगेगी अंदर में देखते हैं, अंदर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है बोलते हैं। हम लोग आ गए यार फाइनली मंदिर के अपोजिट साइड में, जिधर में मेला वेला लगता है, तो उधर साइड में हम लोग आ गए। मैं आप लोगों को वो अखंड मनोकामना ज्योत के बारे में दिखा नहीं पाया वहाँ का व्यू, इधर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर मेले वेले की तरफ में, तो आप लोग बने रहो यार वीडियो में। अभी हमने चप्पल भी इधर किराए पे दिया हुआ था पहले, सोनी की चप्पल थी हमारी जो किराए पे दिए थे हमने आप, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चप्पल लेने को, ठीक है। तो चप्पल ढूंढ लेते हैं कौन सी चप्पल है तेरी, देख क्या पे काली का है, ये मैं 10 करोड़ के जूते हैं यहां पे, जिम्मी वाले एडिडास के जूते किधर मेरे, आपके सोनी चप्पल में गई। एंडली अभी यार 6 बज गए पूरे परफेक्ट, तो हमारा चप्पल ऊपर पहन के हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस उधर जिधर साइड में झूले हैं बहुत सारे, तो वहां पे जाके हम लोग झूला झूलने वाले नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ वहां पे घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को, ठीक है। हाँ तूने मिठाई के डब्बे पकड़े कि नहीं, हाँ पकड़ लिया भाई, तो अभी यार गाइस हम लोग झूले की तरफ आए थे घूमने को, तो यार झूला भी इधर पूरा बंद पड़ा हुआ है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा गाइस, क्योंकि यार इधर में क्या हो सकता है कि रात भर ये लोग झूला चलाते हैं, शायद थक गए होंगे, तो यार 2-3 घंटे का उन्होंने आराम दिया होगा, हो सकता है बंद कर दिया उन्होंने अभी झूला सुबह सुबह, तो यार रात में ऑन होगा झूला, शायद 4 बजे करीब ऑन होगा। तो अभी हम लोग उधर जाने वाले हैं, उधर में एक मंदिर है बोलते, उधर जाके देखते हैं, उधर के भी दर्शन कर लेंगे फटाफट से, और फिर दिखाते हैं आपको और आगे का भी, तो यार बने रहो वीडियो पे, ठीक है। चले पवन, गाइस अभी हम ये वाले मंदिर पे पहुंच गए, बता देता हूँ आपको कौन सा मंदिर है, ये सूरा देवी का मंदिर है जो कोराड़ी की साइड में है, तो यार हम लोग ये वाले मंदिर पे भी पहुंच गए। पवन आगे आगे जा रहा है, पवन को दर्शन करने की बहुत जल्दी है, और हम लोगों को आरती भी मिलने वाली है गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा लक्की है, आरती चालू है जस्ट सामने, हम लोग जा रहे स्पीड में, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू, तो बने रहना गाइस वीडियो में, ठीक है। फटाफट से चले थे अभी, तो फाइनली हमारी यहाँ पे आरती भी हो गई है कंप्लीट, तो यार पंडित जी बोलते हैं कोई एक व्यक्ति सामने आ जाओ प्रसाद बांटने के लिए, तो पवन पटापट से चले जाता है प्रसाद बांटने के लिए, और वो प्रसाद बांट रहा है, और उसके बाद का दिखाते हैं आपको क्या सीन होने वाला है,
तो बने रहो वीडियो पे, ठीक है। तो बाहर से गाइस कुछ ऐसा लुक है यार सूरा देवी माता मंदिर का, तो बहुत ही अच्छा है ये मंदिर भी। आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो, कोराड़ी से जस्ट 1 या 2 किलोमीटर आगे होगा, ज़्यादा नहीं है। तो देखो यहाँ से जो बहुत ही अच्छा, मतलब सुबह सुबह थी ना तो बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था यहाँ से, वो तालाब की तरफ भी देख रहे थे हम लोग, तो थोड़े से उस टाइप नहीं के जो कोहरा होता है वो दिख रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद गाइस हम लोग को आरती भी मिल गई सूरा देवी माता की, और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस पवन के मामा के घर पे पानी पीने को, और फिर वहाँ से डायरेक्ट घर निकलेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको वीडियो में, बने रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पे यार गाइस हमारा हो गया था यार सारे मंदिरों से दर्शन करके, तो हम लोग ने सोचा अब निकल लेते हैं यार घर की ओर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। हमें यार सुबह के 8 बज गए थे और घर भी जाना था, तो पवन के मामा के घर गए हम लोग ने, वहाँ से पानी वानी पी लिए, क्योंकि यार वो लोग भी उधर कोराड़ी की तरफ ही रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से हम लोग पानी वानी पी लिए उनके घर पर जाके, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो यार ये वीडियो कैसा लगा यार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत। और हाँ यार गाइस कमेंट में जय माता दी लिख दो।